हरिद्वार में होगा महाकुंभ, विष्णु के धाम में अमृत वर्षा, तैतीस करोड़ देवता देंगे आशीर्वाद, परिवार समेत पधारेंगे त्रिवेणी, एक डुबकी से खुलेंगे पुण्य के चार द्वार। नमस्कार। स्वर्ग की सारी रिद्धि सिद्धि और जीवन की सारी कामनाओं को पूरा करने के लिए आ गया है महाकुंभ। मैं हूं नवजोत और मेरे साथ है दो खास मेहमान, वेदांताचार्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज, स्वागत है आपका, और बिरला मंदिर के प्रमुख आचार्य डॉक्टर रविंद्र नागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। वैसे तो महाकुंभ का मुख्य शाही स्नान 14 अप्रैल को मेष संक्रांति के अवसर पर होगा, लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। वो महाकुंभ जिसके बारे में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता और साक्षात त्रिदेव आपको आशीर्वाद देने हरिद्वार पहुंचते हैं। भुवस्व ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक साथ उतरेंगे 33 करोड़ देवी देवता, धरती पर लगेगा मोक्ष का मेला। हरिद्वार में अद्भुत महाकुंभ, 12 साल बाद ग्रह नक्षत्रों की चाल उस मुकाम पर पहुंची है जब धरती पर बरसेगा अमृत, जब शिव की जटा से निकलने वाली गंगा हरिद्वार में बन जाएंगी अमृत धारा, जब दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु की धरती हरिद्वार पर एक साथ उतरेंगे 33 करोड़ देवी देवता, जहां एक डुबकी बदल देगी आपकी दुनिया। जब कुंभ राशि में जाएंगे गुरु बृहस्पति, जब मेष राशि में होंगे सूर्य, तब लगेगा हरिद्वार में महाकुंभ। बृहस्पति के कुंभ और सूर्य के मेष राशि में जाने पर लगता है महाकुंभ, और उसी दिन आखिरी शाही स्नान भी होता है। लेकिन उस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी 14 जनवरी को, 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति, जब सूर्य होंगे मकर राशि में। उसके बाद 3 महीने तक चलता रहेगा महाकुंभ का पवित्र स्नान, जब गंगा में एक डुबकी आपको कर देगी हर पाप हर बंधन से मुक्त। महाकुंभ में 11 स्नान पर्व, 3 शाही स्नान और 8 दूसरे पवित्र स्नान, हर स्नान के अलग अलग पुण्य। महाकुंभ के दौरान 11 स्नान पर्व होंगे, उनमें 3 शाही स्नान और 8 दूसरे पवित्र स्नान होंगे। इन स्नान की शुरुआत होगी मकर संक्रांति से। कहते हैं कि हरिद्वार में महाकुंभ का स्नान इंसान को हर बंधनों से मुक्ति दिलाता है, और यहाँ पर गंगा में एक डुबकी सीधे मोक्ष का द्वार खोलती है। संजय शर्मा, हरिद्वार आज तक।